हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे आपके साथ टेस्ट नंबर 3 पर। ये आपका टेस्ट नंबर 3 है, हमारी टेस्ट 3 चल रही है। हम आपको एक टेस्ट डेली देते हैं, उसके कुछ खतरनाक क्वेश्चन लेकर आपके सामने आते हैं। खतरनाक क्वेश्चन आज डेली के कुछ खतरनाक क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आज आपके लिए सरप्राइज है। पता है सरप्राइज क्या है? आज ना हम आपको इसके आंसर नहीं बताएंगे, आंसर आपको इसके खुद ही देखने होंगे। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा और हमको भेजेगा इसके आंसर सर्च करके, थोड़ी मदद करेंगे। देखिए चलिए बता देते हैं आंसर, आपके साथ गेम नहीं खेलते, बता देते हैं। क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और विलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हुआ? क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। भागीरथी या विलंगना नदी के संगम पर स्थित, जो भागीरथी है वो विलंगना है नदी है, नदियों के संगम पर क्या है? टिहरी डैम बना हुआ है। टिहरी नगर, जो टिहरी नगर जिसे हम गणेश प्रयाग भी कहते थे, वो कब विलीन हो गया बताइए। 25 अक्टूबर 2005, 29 अक्टूबर 2005, 20 अक्टूबर 2005, 30 अक्टूबर 2005, आंसर बताइए इसका क्या होगा। फटाफट तेज स्पीड से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 29 अक्टूबर 2005। आपको पढ़ाए थे, अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन शाह ने किसकी नींव रखी थी? टिहरी की नींव रखी थी। कब रखी गई थी बताइए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसका आंसर कहीं यार कोई भी बता देगा इसका आंसर, 28 दिसंबर 1815। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। भागीरथी नदी पर कौन सा कुंड है? देखिए भागीरथी नदी पर ब्रह्म कुंड है, जरा कुंड है, वशिष्ठ कुंड है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए, इसका आंसर है ब्रह्म कुंड। क्या आंसर इसका? ब्रह्म कुंड। क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस क्षेत्र में कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं? यार सबसे आसान मतलब यार सबसे आसान क्वेश्चन है। धनोल्टी है, बूढ़ा केदार है, देवप्रयाग है, चंबा है, बताइए कौन सा स्थान है जहाँ पर कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर होगा सी, कभी यहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंग्रेज कालीन दस्तावेज में टिहरी क्षेत्र का क्या नाम है बताइए? टिहरी है, गढ़वाल राज है, गढ़वाली शासन है, टिहरी है। कितना मस्त क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी, अरे इसका आंसर है गढ़वाल राज। क्या नाम है? गढ़वाल राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन क्षेत्र तीर्थ किसे कहा जाता है? सुदर्शन क्षेत्र तीर्थ किसे कहा जाता है? देवप्रयाग को कहा जाता है, इंद्रप्रयाग को कहा जाता है, केवल प्रयाग को कहा जाता है, उपरोक्त दोनों को। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा दोनों को। किसको? दोनों को, देवप्रयाग को भी और इंद्रप्रयाग को, दोनों को मिला के बोलते हैं सुदर्शन क्षेत्र। सब पढ़ाए हुए हैं आपको, ये परीक्षा मंडल का क्वेश्चन है। मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी कब संभाली बताइए? मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में 5 अक्टूबर 1946 को, 5 अक्टूबर 1945 को, 5 अक्टूबर 1944 को, 5 अक्टूबर 1947 को। आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए, 5 अक्टूबर 1946 को गद्दी संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया? घनसाली को, जौनपुर को, बैराडी को, सुमन चौक को, बताइए क्या आंसर होगा इसका। नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी, बैराडी को, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, राम तीर्थ स्वामी 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सभाओं में भाग लेने गए थे? राम तीर्थ स्वामी 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे? सुदर्शन साहा, प्रताप साहा, नरेंद्र साहा, कीर्ति साहा, आंसर बताइए किसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कीर्ति साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र है? कहाँ पर बताइए आंसर क्या है इसका। कहाँ पर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र है? ज्वाला जी मंदिर है, चंद्रबानी मंदिर है, सुरकंडा देवी मंदिर है, कुंजा मंदिर है, आंसर बताइए क्या होगा इसका। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका इसका आंसर होगा चंद्रबानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, समय कम है, नरेंद्र नगर के घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल स्थित है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए? आनंद महल, प्रिंस प्रिंस पैलेस, किंग स्पा, आनंद स्पा, आंसर बताइए क्या होगा इसका। नरेंद्र जो नगर के घने जंगल है उसमें टिहरी नरेश का महल स्थित है, उसे किस नाम से जानते हैं? आनंद महल, प्रिंस महल, किंग स्पा, आनंद स्पा, आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी, आनंद स्पा। क्या नाम है? आनंद स्पा। क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी का नाम धनुवंती किसमें कहा गया है बताइए इसका आंसर। टिहरी का नाम ऋग्वेद में कहा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम में, स्कंद पुराण में, उपनिषद में, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, स्कंद पुराण में। कौन से में? स्कंद पुराण में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है? आंसर बताइए कौन सा मंदिर है जो चंद्रकूट पर्वत पर है? रघुनाथ मंदिर है, चंद्रबानी है, सुरकंडा देवी, इनमें से कोई नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी, चंद्रबानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 400 मेगावाट, आंसर क्या होगा? 400 मेगावाट। क्वेश्चन आपके सामने
रघुनाथ मंदिर में प्रवेश द्वार पर किसके शासक का नाम अंकित है? महिषपति शाह, नरेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, कीर्ति शाह। रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किसका शासक का नाम अंकित है? देखिए, महिषपति शाह, नरेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, कीर्ति शाह। आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा पृथ्वी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रघुनाथ मंदिर के संबंध में सत्य नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसका निर्माण देवी किसने किया था? देवी शर्मा ने। सही आंसर बताएं, जीर्णोद्धार किसने किया? दौलत राम सिंधिया ने। इसके मंदिर में प्रवेश द्वार महीपति शाह का नाम अंकित है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। आंसर बताइए 16वें क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी, इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर महीपति शाह का नाम अंकित नहीं है। बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते चले जाइए इसको, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? सुरकंडा देवी, चंद्रवाणी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, तिलका देवी मंदिर। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी, चंद्रवाणी मंदिर। क्या नाम है? चंद्रवाणी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है? आंसर बताइए कौन सा आंसर है इसका। वामन गुफा, विश्वनाथ गुफा, वशिष्ठ गुफा, व्यास गुफा। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर होगा व्यास गुफा। कहाँ पे नहीं है? टिहरी में नहीं। ये भी टिहरी की है, ये भी टिहरी की है, ये भी टिहरी की है। बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम में स्थित? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बूढ़ा केदार, बाल गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, केदार गंगा, बाल गंगा, वीरंगना। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बाल गंगा एवं धर्म गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतनिंग ग्लेशियर को कब ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? खतनिंग ग्लेशियर को कब ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2017, 2018, 2019, 2015। आंसर बताइए खतनिंग ग्लेशियर को कब ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? 20वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल टिहरी जिले में नहीं है? बुग्याल किसमें नहीं है? टिहरी जिले में नहीं है। आंसर है चोराई, खारसोली, चौफिट, पावली कंठा। आंसर बताइए बुग्याल टिहरी जिले में नहीं है। जोराई, खारसोली, चौफिट, पावली कंठा। आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21 है। 21वें का आंसर होगा सी, चौफिट। राज्य का इकलौता सिद्धपीठ कौन सा है जहाँ गंगा सहरे पर शिव मेला लगता है? आंसर बताइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा केदार है आपका, सुरकंडा देवी का मंदिर है, चंद्रवाणी है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी, सुरकंडा देवी का मंदिर। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी का पृथक जनपद के रूप में कब गठन हुआ? ये टिहरी है जो आप देखते हैं, ये कब बनाया गया? 23वें क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। इसका आंसर होगा सी, 1 अगस्त 1949 को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ताल या झील टिहरी में नहीं है? मसार ताल, जलाल ताल, मजाड़ ताल, दिदुदी ताल। बताइए कौन सा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर आंसर का दिदुदी ताल। कौन सा? दिदुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि की रोती किस नदी के तट पर स्थित है? चंद्रभागा, मालती, अलगाड़, दूध गंगा। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए, चंद्रभागा नदी। कौन सी? चंद्रभागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनपद का एकमात्र औद्योगिक स्थान है? प्रताप नगर, खासापट्टी, जौनपुर, ये ढालवाला नगर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 27वें क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा डी, ढालवाला नगर। कौन सा नगर? ढालवाला नगर। टिहरी में स्थित बयासी के किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा बच्चे सोच रहे होंगे आज सर का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई देगा, आज नेटवर्क कमजोर है, हमने इसका हाइड किया हुआ है, इसलिए आप पढ़ते रहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, टिहरी में स्थित बयासी किसके लिए प्रसिद्ध है?